सिनेमा सॉर्ट रिकैप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें पांच दोस्तों को दिखाया जाता है जो अमेरिका से छुट्टियां मनाने रूस आए हुए थे। वो सभी दोस्त क्लब जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इनमें से एक दोस्त का नाम जैसी होता है। वो इनको बताता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहां पे हम जाके पार्टी कर सकते हैं। इनमें से एक और दोस्त का नाम एमी होता है। वो इन दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती है और वहां जाके वॉशरूम का पूछती है। जब वो वॉशरूम ढूंढ रही थी तभी वो दीवार पे बहुत सारी पेंटिंग देखती है। उधर जैसी भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जब वो भी दीवार पे पेंटिंग देता है तो वो कहता है कि हो सकता है यहाँ पे जो पहले रह रहे हो ये उनकी पेंटिंग हो। एमी भी उसकी बात मान लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पार्टी में एक लड़की आती है जिसके जिस्म में बहुत सारे टैटू बने हुए थे। वो एमी से पूछती है क्या आप लोग अमेरिका से आए हैं। एमी बोलती है कि हाँ हम अमेरिका से यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए हैं। तभी वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसको डांस करने के लिए पूछती है। साथ ही साथ वो उसको बताती है कि मेरा एक टैटू पार्लर है जहाँ पे टैटू बनाने का काम करती हूँ। एमी का दोस्त उससे कहता है कि हाँ मुझे टैटू बनवाना है। एमी भी उसके साथ जाने को कहती है। ये दोनों जब उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी टैटू की तस्वीरें लगी हुई है। दोनों ये देख के काफी खुश हो जाते हैं। एमी पूछती है कि ये टैटू किस पे बनाए गए हैं। वो लड़की बताती है कि ह्यूमन स्किन पे बनाए गए हैं। ये बात सुन के एमी और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मजाक कर रही है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम लोग यही बैठो, मैं मालिक को बुला के लाती हूँ जो तुम्हारा टैटू बनाएंगे। जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर बाद उसका मालिक ऊपर आ जाता है जो कि एक टैटू आर्टिस्ट था और यहाँ का मालिक भी था। वो आकर पूछता है कि तुम दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। एमी का दोस्त कहता है कि मुझे बनवाना है। अब यहाँ पे आर्टिस्ट उसके दोस्त को कहता है कि जाओ तुम मेरे असिस्टेंट के साथ नीचे जाओ, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी और जब तक मैं एमी का टैटू बना दूंगा। यहाँ पे आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह का टैटू बनवाना है। तो वो बताते हैं कि ऐसा टैटू बनवाना है जिसे देख के मैं अपने बीते हुए पल को याद कर सकूं। आर्टिस्ट यह सुनकर कहता है कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है। बाकी सब लोग तो सिर्फ कॉपी करते हैं, उनके लिए टैटू बनाना सिर्फ एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू तो असल में वही है जिसे देख के कुछ याद आए। वो एमी को किताब देता है और कहता है कि इसमें देखो और अपने लिए टैटू चुन लो। यहाँ पे एमी उससे पूछते है कि अच्छा सच में ये टैटू इंसानी स्किन पे बनाए गए हैं। वो आर्टिस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें सही बताया गया है, ये सच में इंसानी स्किन पे बनाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ एमी का दोस्त जो उस टैटू वाली लड़की के साथ गया था वो बेहोश हो जाता है। इधर जब आर्टिस्ट एमी के गर्दन पे टैटू बनाने लगता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब इन दोनों को होश आता है तो वो दोनों खुद को बंधा हुआ पाते हैं। एमी का दोस्त उससे पूछता है कि अगर तुम हम लोगों से क्या लेना चाहते हो, देखो हमें छोड़ दो, हम इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। वो आर्टिस्ट कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी स्किन चाहिए, मैं पैसे के लिए सब नहीं करता। तभी एमी को होश आ जाता है। जब वो अपने दोस्त को बंधा हुआ देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। आर्टिस्ट उसके पास आता है और कहता है कि देखो तुम क्यों डर रही हो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम तो मेरी पसंदीदा हो, तुम बहुत ही जल्दी मेरे काम को समझोगी और मेरा साथ भी दोगी। ये कह के वो एमी के दोस्त के पास जाता है। पहले तो उसके बाजू का टैटू उसके स्किन के साथ ही अलग कर देता है, फिर उसके पेट के स्किन को निकाल लेता है। वो उससे कहता है कि तुम जानते हो मेरे डॉग को इंसानी कान खाना कितना पसंद है। वो उसके कान को काट के अपने डॉग को खिला देता है। उधर असिस्टेंट उसके स्किन को ऊपर लेके जाती है जिसपे वो खास किस्म का टैटू बनाने वाले थे। आर्टिस्ट एमी के दोस्त के पाव पे एक कट लगाता है ताकि उसके खून बहने से उसकी मौत हो जाए। वो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देख के रोने लगती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। अगली सुबह एमी के दोस्त को जब पता चलता है कि एमी और उसका दोस्त अभी तक नहीं है तो उन्हें उसकी फिक्र होने लगती है। वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। जैसे उन्हें बताता है कि वो दोनों टैटू बनाने वाली लड़की के साथ गए थे जो कल रात पार्टी में थी। उधर पार्लर में आर्टिस्ट एमी के साथ था। वो उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे मैं एक खास इंक से टैटू बनाने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एमी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। उधर एमी के दोस्त हर टैटू बनाने वाले दुकान पे देख रहे थे पर उनका दोस्त उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। जब वो लोग गली से गुजर रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो इनको छेड़ने लगते हैं। जैसे को इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें मारने लगता है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि इन्हें जाने दो, हमें पहले अपने दोस्त को ढूंढना है। इसके बाद वो सभी उसी पार्लर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं, उसे एमी और अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि हाँ कल रात वो आए थे पर टैटू बनवाने के बाद चले गए। वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे एक लड़की लाई थी जिसके बाजू पर टैटू बना हुआ था। वो कहता है कि हाँ वो मेरी असिस्टेंट है पर अभी इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है। वो सभी आर्टिस्ट की बात मान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाते हुए उनकी एक दोस्त दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को देखते हैं जो उसका ही दोस्त का टैटू था जो उसने अपने बाजू पर बनवा रखा था। वो देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है पर इस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद वो आर्टिस्ट एमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एमी कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा और फिर तुम इधर ही रह के मेरा काम में साथ दोगी। वो एमी को उसका चेहरा देखने को कहता है। जब वो उसके सामने शीशा लेके आता है तो एमी रोने लगती है। उसने एमी के चेहरे पे
एक टैटू बना दिया था। उधर चारों दोस्त फैसला करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे अपने दोस्त की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने, पर जैसे कहता है कि नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि उन्हें अभी गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। तभी एक दोस्त अपने दोस्त की तस्वीर दिखाता है, उसके बाजू पे वही टैटू बना हुआ था जिसपे वो कहती है कि मैंने ऐसा ही टैटू उस पार्लर में देखा था। जैसे कहता है क्या फिजूल की बात है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो एक बार में जाता है, उधर उसके तीनों दोस्त पार्लर पहुंच जाते हैं और उसी लड़की से अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि तुम्हारे दोस्त नीचे बेसमेंट में है। वो उसकी बात मान लेते हैं और बेसमेंट में नीचे चले जाते हैं। अचानक से ही वो लड़की और आर्टिस्ट उन पर हमला कर देते हैं जिससे वो सारे बेहोश हो जाते हैं। अब जब उनको होश आता है तो वो सभी बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चिल्लाती है पर वो उसकी स्किन निकाल के उसका गला काट देती है। एमी भी वहाँ पे बहुत रो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आर्टिस्ट एक आदमी के पास जाता है और उसे इंसानी स्किन पर बनी हुई तस्वीर देता है जिसके बदले उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आर्टिस्ट एक बड़ी फैमिली के लिए काम करता था जो उससे इंसानी स्किन पे तस्वीरें बनवाया करती थी और उसे पसंद करके अपने घर में लगाया करती थी। उधर बेसमेंट में जहाँ एमी और उसके दोस्त बंधे हुए थे, उसकी दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर हमला कर देती है। वो एमी को भी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। एमी उससे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बाहर जाके मत बुलाओ। ये सुन के उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे वही लड़के मिलते हैं जिन्हें बेसी ने मारा था। अब क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहते हैं तो वो जैसे ही उस लड़की को देखते हैं वो उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी उन्हें देख लेता है जो अपनी गाड़ी में था। वो देखता है कि वो लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। एमी की दोस्त बहुत भागती है, मदद भी मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। आगे रास्ता बंद था इसलिए वो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पे आर्टिस्ट भी आ गया था जो उन बच्चों को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो एमी की दोस्त को भी मार डालता है। उधर जब टैटू वाली लड़की को होश आता है तो वो एमी के पास आती है और कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही अपने दोस्त को भागने में मदद की है, और गुस्से में उसका एक दांत निकालने ही वाली थी। तभी वहाँ पे आर्टिस्ट आ जाता है जो उसे रोक लेता है। फिर वो एमी के पास आता है। एमी उससे पूछती है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो उसको एक जगह लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई थी। आर्टिस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना राज के बात बताने वाला हूँ। बहुत सालों पहले रूस में अपने दुश्मनों को मार के उनके स्किन पर लोग अपनी तस्वीर बनवाया करते थे। रशियन किंग भी उस पर तस्वीर बनवाया करते थे जिसके बदले वो ढेर सारे पैसे दिया करते थे। उधर बाहर वो टैटू वाली लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे जेसी था जो एक लड़की को अपने साथ लाया था। वो अपने दोस्त को यहाँ पे टैटू बनवाने के लिए लेके आया था। वो कहती है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारा टैटू बना दूंगी। अब जेसी यहाँ पे जब बेसमेंट में जाता है तो वो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है और जब वो ऊपर आता है तो वो एमी को देखता है। वो एमी उससे बताती है कि आर्टिस्ट ने हमें यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है, हमें यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब जेसी आर्टिस्ट से कहता है कि ये गलत बात है, हमारी डील तो सिर्फ एक दोस्त को मारने की हुई थी ना कि सबको। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एमी का दोस्त जेसी इस आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ पे आर्टिस्ट उसको अपनी बनाए हुए उसकी तस्वीर दिखाता है जो उसने उसकी दोस्त के स्क्रीन पे बनाई हुई थी, पर एमी को कुछ समझ नहीं आता। अब वो आर्टिस्ट से पूछती है जिसपे वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त एक राजा के खानदान से है, हर साल ये अपने दोस्तों को यहाँ पे लाता है और किसी एक के स्क्रीन पे अपनी तस्वीर बनवाता है। अब एमी समझ गई थी कि उसका दोस्त जेसी आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था, पर अब जेसी ये नहीं चाहता था कि वो एमी को भी चोट पहुंचाए। मगर वो आर्टिस्ट इसको भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए जेसी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नीचे टैटू वाली लड़की उस लड़की को भी मार देती है जिसे जेसी अपने साथ लाया था। अब एमी भी आजाद हो गई थी। वो टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काट के उसे मार डालती है। आर्टिस्ट ने जेसी को भी पकड़ लिया था। वो एमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो जेसी को मार के अपने दोस्तों का मौत का बदला ले सकती हो क्योंकि ये तुम लोगों को यहाँ पर धोखे से लाया था। वो कहती है कि नहीं, इसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे दोस्त तड़प तड़प के मरे हैं। इसके बाद एमी जेसी का स्किन निकाल के उसे मार डालती है। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्टिस्ट बैठा हुआ था और एक आदमी के गर्दन पे टैटू बना रहा था। उधर कुछ लोग और आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एमी आती है और लोगों को कहती है कि आप लोगों का स्वागत है इस पार्लर में। दीवार पे हम एमी की कुछ तस्वीरें देखते हैं जो कि जेसी की स्किन पे बनी हुई थी। यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि अब एमी भी आर्टिस्ट से मिल गई थी। अब वो यहाँ पे काम करने लगी थी क्योंकि अब उसके दोस्तों के मरने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ खास बचा नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे काम कर रही थी। इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारे और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।